हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस बायोलॉजी सीरीज चैप्टर नंबर 13, दैट इज ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। ऑर्गेनिक एवोल्यूशन का मतलब है जैव विकास। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये जैव विकास का कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के दिमाग में आया कैसे, वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो हुई, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत जो हुई, वो एक कोशिकीय जीव के रूप में हुई थी। एक कोशिकीय जीव का मतलब है यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और फिर उस यूनी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में लगातार क्रमिक विकास हुआ, लगातार सक्सेसिव इवोल्यूशन हुआ, तब जाकर एक हम प्राणी जो हैं, हम स्तनधारी जो हैं, वो जटिलतम संरचना तक पहुंच पाए। मतलब एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव बना, बहुकोशिकीय जीव में फिर क्रमिक परिवर्तन हुए, लगातार परिवर्तन हुए, और तब जाकर हम लोग इस उच्च कोटि पर, हम लोग जो हैं, हमारा जो शरीर है वो जटिलतम संरचनाओं में से एक है। तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि हमने एक कोशिकीय जीव से शुरुआत करी जीवन की, और हम लोग एक जटिलतम संरचना तक पहुँच चुके हैं। तो ये है क्रमिक विकास। अब साइंटिस्ट क्या कर रहे थे उस समय, कि साइंटिस्ट इन ऑर्गेनिज्म के बारे में अध्ययन कर रहे थे, ये जो जीवधारी हैं इनके बारे में अध्ययन कर रहे थे, उनको वर्गीकरण करने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर हमको किसी भी विषय में बहुत अच्छे से महारत हासिल करनी है या बहुत अच्छे से उसको अध्ययन करना है, तो हमें उसको वर्गीकरण करके उसको पढ़ना चाहिए। जैसे हम लोग जनरली साइंस भी पढ़ते हैं, तो हम लोग फिजिक्स अलग कर लेते हैं, केमिस्ट्री अलग कर लेते हैं, बायोलॉजी अलग कर लेते हैं। तो ऐसे ही जब पृथ्वी पर जितने भी जीवधारी हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको अध्ययन करने की बात आई, तो उनके वर्गीकरण करने की बात आई। और जब जीवों का वर्गीकरण किया गया, तो वैज्ञानिकों के सामने ये एक निष्कर्ष आया कि बहुत सारे जीवों में आपस में समानताएं हैं। और जब बहुत सारे जीवों में समानताएं हैं, तो हो ना हो इन जीवों का विकास किसी एक एक कॉमन पूर्वज से हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, हम लोग कहीं शादी फंक्शन में जाते हैं, तो हमको एक व्यक्ति की चाल ढाल से ये पता चल जाता है कि इस व्यक्ति का जो संबंध है वो इस व्यक्ति से जरूर कुछ ना कुछ रहा होगा। मतलब कहने का क्या है कि एक पुत्र अपने पिता से बहुत कुछ मिलता जुलता है, या उसके जो चाल ढाल है वो उससे मिलती जुलती है। अगर इसी को हम लोग ब्रॉड एस्पेक्ट में देखें, तो बहुत सारे जीवों में ऐसी समानताएं हैं जो उनके अंदर पाई जाती हैं। तो कहीं ना कहीं ये पॉसिबल है कि ये जीव जो है वो कहीं ना कहीं एक ही पूर्वज से उनका विकास हुआ है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि जब हम लोग जीवों का वर्गीकरण करते हैं, तो वहां पे वर्टिब्रा और नॉन वर्टिब्रा, मतलब ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स, और जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है उनको बोलते हैं इन वर्टिब्रेट्स। तो जो वर्टिब्रेट्स हैं, जैसे वर्टिब्रेट्स में कौन कौन आते हैं, जैसे मछली है, मछली पिसिस, उभयचर है, एम्फीवियन जिसमें मेंढक आते हैं, फिर रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो जमीन पर रेंग के चलते हैं, और फिर हैं स्तनधारी जिनको मैमल्स बोलते हैं। तो देखो, हैं तो अलग अलग स्पीसीज, देखो मछली अलग है, मेंढक अलग है, सांप अलग है, और मैमल्स हम लोग अलग हैं, लेकिन इन सब में क्या समानता है, इन सब में रीढ़ की हड्डी पाई जा रही है। तो ये पॉसिबल है कि इन सब का विकास किसी एक पूर्वज से ही हुआ होगा। तो साइंटिस्ट इस निष्कर्ष पर तो पहुंच गए कि ये जो जिन जीवों में समानता है वो एक पूर्वज से ही धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हुआ है, और उसमें जाकर फिर ये परिवर्तन स्वरूप एक अब जो वर्तमान में जीव है वो हमको मिला है। फिर यहाँ से तो हमको पता चल गया कि जैव विकास की अवधारणा कहाँ से आई। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो जो कुछ साइंटिस्ट के दिमाग में आया, तो ये कुछ ना कुछ अध्ययन किया होगा उन्होंने, कुछ ना कुछ उनके उनके पास कुछ प्रूफ आए होंगे, एविडेंस आए होंगे, तभी तो वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। तो वो निष्कर्ष क्या क्या थे, वो हम लोगों को यहाँ पर स्टडी करने हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ये बहुत लेंथी है और थोड़ा सा बोरियत है। तो इसमें से मैंने फिल्टर करके वो सारे पॉइंट्स आपके लिए निकाले हैं जो एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं हमेशा से आपसे ये बात कहता हूँ कि हमको डिटेल बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और हमको फैक्ट्स भी नहीं पढ़ने हैं। अगर मैं आपको चाहता तो जैव विकास की अवधारणा में सीधे बता देता लेमार्किज्म क्या है, डार्विनिज्म क्या है, नियो डार्विनिज्म क्या है, चैप्टर कंप्लीट। लेकिन अगर हमको दूसरे से थोड़ा सा आगे रहना है, क्योंकि भाई जनरल साइंस है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज अगर आपको होगी तो आपके लिए वो वरदान ही साबित होगी। मान लीजिए आप लोग PCS परीक्षा निकालते हैं और इंटरव्यू में बैठते हैं, और तब आपके सामने ऐसा कुछ पूछ लिया गया कि बताइए डार्विनिज्म के बारे में थोड़ा सा बताइए,
तो आप लोग वहाँ पर मात नहीं खाएंगे, ठीक है। तो औरों से थोड़ा सा आगे रहना है तो थोड़ा सा एफर्ट भी हमको ज़्यादा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, तो जैव विकास के प्रमाण सबसे पहले वर्गीकरण, जो मैं भी आपको बता रहा था कि जब जीवों को वर्गीकृत करने की बात आई तो बहुत सारे ऐसे जीव थे जिनमें कुछ ना कुछ समानताएँ हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे अंदर ऑक्सीजन का, फूड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या है, ब्लड पाया जाता है। ऐसे ही बहुत सारे जीवों में पाया जाता है, क्रोकोडाइल्स में है, मतलब जो रेंगने वाले रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस में है, इन सब में ब्लड पाया जा रहा है। तो मतलब क्या है, कुछ ना कुछ समानता तो है उसके अंदर। तो जब जीवों को वर्गीकरण करते हैं तो ऐसे जीव जिनमें वर्टिब्रा पाई जाती है वो सब एक ही पूर्वज से पैदा हुए होंगे, ऐसा साइंटिस्ट ने माना है, ठीक। दूसरा पॉइंट, तुलनात्मक संरचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहाँ से इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, तुलनात्मक संरचना मतलब कंपेरेटिव स्ट्रक्चर अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ पे मैंने तीन टर्म लिखे हैं, होमोलॉगी, एनालॉगी एंड वेस्टिजियल ऑर्गन। तो देखो, होमोलॉगी की इंग्लिश हिंदी बता देता हूँ, समजातता, इसको समझिए। देखिए, समजातता का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या होगा कि जो स्तनधारी हैं उनके शरीर में जो सेक्स सेल हैं, जैसे मादा के अंदर क्या है एग सेल, पुरुष के अंदर क्या है स्पर्म, शुक्राणु, ये आपस में जब फर्टिलाइजेशन करते हैं, निषेचन होता है तो क्या बनता है युग्मनज, जिसको क्या बोलते हैं जाइगोट, और जब ये जाइगोट में फिर डिवीजन होता है तब बनता है एम्ब्रियो, जिसको क्या बोलते हैं भ्रूण बोलते हैं, और भ्रूण कंटिन्यूअस डिवाइड होता है, विभाजित होता है और एक बड़ी संरचना बनता हुआ जाता है। तो वहाँ उस भ्रूण के अलग अलग हिस्से से अलग अलग शरीर के हिस्सों का निर्माण होता है, ठीक है। तो जब ऐसे बहुत सारे जीव हैं, भाई देखिए, जो एम्ब्रियो है, जो भ्रूण जिस भी जीव में बनता है उस भ्रूण का जो बेसिक स्वरूप है वो सब में समान है, चाहे वो आदमी का भ्रूण हो चाहे वो किसी जानवर का भ्रूण हो, उसकी जो मौलिक संरचना है वो समान है। अब भ्रूण के जिस भाग से हमारे हाथ बनते हैं, भ्रूण के उसी भाग से जो बर्ड्स हैं, जो चिड़िया हैं, उनके भी हाथ बनते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जो चिड़िया का हाथ है, आपको बात एकदम अजीब सी लग रही होगी कि चिड़िया के तो हाथ ही नहीं होते, उस पर मैं आऊँगा, तो हमारे जो हाथ हैं उसकी जो मौलिक संरचना है और चिड़िया जो जिसके जो हाथ हैं उसकी जो मौलिक संरचना है, वो दोनों क्या हैं, बराबर हैं। इसका मतलब मानव और जो बर्ड है वो कहीं ना कहीं एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। अब आ जाइए इस पर, होमोलॉगी, और यहीं पर एक टर्म मिलता है आपको, होमोलोगस ऑर्गन, समजात अंग। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एसएससी हो, चाहे वो रेलवे हो। होमोलोगस ऑर्गन का मतलब है समजात अंग, ऐसे अंग जिनकी मौलिक संरचना समान है। अब जैसे समझिए, अगर मैं अपने हाथों की मौलिक संरचना की बात करूं तो मेरे हाथ में कौन कौन सी हड्डियां पाई जाती हैं, मेरे हाथ में ह्यूमरस है, रेडियस है, अलना है ना, कार्पल्स है, मेटाकार्पल्स है और फेलेंजेस है, ठीक। रेडियस, अलना, यहाँ पर कार्पल, मेटाकार्पल और ये उंगलियों की अस्थि, हमने पढ़ा है अस्थि वाले चैप्टर में, आप लोग चाहें तो वो वाला वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यही सेव संरचना पाई जाती है जो पक्षियों के फोर लिम्स हैं, पक्षियों के अंदर जो अग्रपाद हैं, अग्रपाद मतलब फोर लिम्स, उनके जो फोर लिम्स हैं वो पंखों में रूपांतरित हो गए हैं। अब आप लोग देखिए, हमारे तो हाथ हैं, उनके पंख हैं, उनके जो फोर लिम्स थे, उनके जो हाथ थे, वो किस में रूपांतरित हो गए, पंखों में, क्योंकि उनको पंखों की आवश्यकता थी, हमको पंखों की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इन दोनों का विकास जो हुआ है वो किसी एक पूर्वज से हुआ है। यही जैव विकास है, एक जो पूर्वज है उससे इधर भी विकास हुआ है, इधर भी विकास हुआ है, इधर भी विकास हुआ है, मतलब अलग अलग स्पीसीज का निर्माण एक ही पूर्वज से हुआ है। इसी अवधारणा को जैव विकास की अवधारणा कहते हैं, ठीक है। तो जो होमोलोगस ऑर्गन है उसमें मेन चीज क्या निकल कर आई कि ऐसे ऑर्गन जो दिखने में डिफरेंट है, भाई पक्षियों के तो पंख हैं, चमगादड़ के तो पंख हैं, लेकिन हमारे क्या है, हाथ है। ऐसे ही घोड़े की अगर हम लोग बात करें, घोड़े के जो आगे के पैर हैं वो एक्चुअली में हाथ हैं, हमारे जो हाथों की संरचना है और घोड़े के आगे वाले पैर की जो संरचना है, मौलिक संरचना, वो क्या है, बराबर है। तो इसका सीधा सा मतलब है, समजात अंग कैसे होते हैं, समजात अंग वो होते हैं जिनकी मौलिक संरचना समान होती है, फंडामेंटल स्ट्रक्चर समान होती है, जिनका ओरिजिन समान होता है, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग होता है। हम अपने हाथों से काम करते हैं,
वो पक्षी अपने हाथों से उड़ते हैं, तो दोनों के काम डिफरेंट हैं लेकिन ओरिजिन उनका एक ही है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग एनालॉगी। एनालॉगी का मतलब क्या है, एनालॉगस ऑर्गन का मतलब क्या है, समरूप अंग, या इसको मैं बोलूंगा एनालॉगी को समरूपता। अब यह समरूपता क्या है, देखिए कि जो दिखने में तो एक जैसे हैं लेकिन उनका ओरिजिन, उनकी जो मौलिक संरचना है वो डिफरेंट है। जैसे मैं बात करता हूँ पक्षी के पंख की और किसी मच्छर के पंख की। पक्षी का पंख क्या काम करता है, भाई उड़ने का काम करता है। जो मच्छर है उसके पंख क्या काम करते हैं, वो भी उड़ने का काम करते हैं, लेकिन उनकी मौलिक संरचना क्या है, डिफरेंट है। पक्षी के पंख में हड्डी पाई जाती है, जो मच्छर है उसके पंख में कोई हड्डी या उसके पूरे शरीर में कोई हड्डी नहीं पाई जाती है। इसका मतलब मौलिक संरचनाएं अलग हैं लेकिन काम एक जैसा है। तो ये क्या बन गए, ये बन गए समरूप अंग। एग्जाम्पल मैंने दिया ही आप लोगों को कि जो विंग्स ऑफ बर्ड है, जो पक्षी के पंख हैं और जो मच्छर के पंख हैं, मच्छर के पंख किससे बने हुए हैं, वो स्किन है, वो एक तरह से उसकी त्वचा की झिल्ली है, वो उसमें हड्डी कोई भी उपस्थित नहीं है। ठीक, तो होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन क्लियर हो गए होंगे, आई होप सो। फिर आते हैं हम लोग वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन को बोलते हैं अवशेषी अंग। सबसे पहले मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, हमारे शरीर में लगभग 100 या 100 से ज़्यादा अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सबसे बड़ा अवशेषी अंग जिसके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो है अपेंडिक्स। बहुत सारे लोगों को अपेंडिक्स का दर्द उठता है तो वो सर्जरी के द्वारा उस अपेंडिक्स को हटा देते हैं। अब अपेंडिक्स मिलती कहाँ पर है, जहाँ पर छोटी आंत और बड़ी आंत मिलते हैं, और जो बड़ी आंत के नीचे वाला हिस्सा है वहीं पर एक छोटी सी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं। अच्छा, यही अपेंडिक्स जो हर्बीवोर्स होते हैं, जो शाकाहारी होते हैं पूर्ण रूप से, जैसे खरगोश है, आपकी गाय है, भैंस है, इनमें ये अपेंडिक्स बड़ी पाई जाती है। और इसमें एक एंजाइम पाया जाता है, सेलुलेज एंजाइम, क्योंकि वो क्या खाते हैं ज़्यादातर, हरा चारा, और हरा चारा में क्या प्रेजेंट है, सेलुलोज, और सेलुलोज को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, सेलुलेज। तो इसीलिए वहाँ जो अपेंडिक्स है वो सेलुलोज को पचाने के काम आती है। लेकिन हमारे अंदर ये अवशेषी अंग के रूप में है, क्योंकि हमारे जो भोजन है उसमें सेलुलोज की मात्रा कम है, इसीलिए सेलुलोज को ज़्यादा पचाने की आवश्यकता हमको नहीं है। तो यही जो अपेंडिक्स है वो हमारे यहाँ पर एक अवशेषी अंग के रूप में मौजूद है। जैसे एक और अवशेषी अंग है, हमारी आंखों में यहाँ पर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। पहले कभी जब हम लोग एम्फीवियंस रहे होंगे, उभयचर रहे होंगे, तो जैसे मेढक है, मेढक जब कीचड़ में जाता है तो अपनी आंख के ऊपर एक परत चढ़ा लेता है, ताकि मतलब एक चश्मा लगा लेता है अपने ऊपर, ताकि उसकी आंखों में जो जो गंदगी है, जो कीचड़ है या जो पानी है वो उसकी आंखों में ना जाए। तो लेकिन अब इसकी आवश्यकता हमको नहीं है क्योंकि हम अब पानी में नहीं रहते हैं। तो यही निक्टेटिंग मेम्ब्रेन हमारे शरीर में अब कैसी हो गई, ये अवशेषी अंग हो गई। हम लोग अपने कान की मसल्स की बात करें, हम अपने कानों को अब हिला नहीं सकते हैं, मसल्स हैं हिला नहीं पाते हैं, क्योंकि ये अवशेषी अंग के रूप में है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो जानवर होते हैं अपने कानों को ऐसे ऐसे फड़फड़ाते रहते हैं, ठीक है, हमारे अंदर अब इसका कोई काम नहीं है। तो इस तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन्स ये प्रूफ करते हैं कि कहीं ना कहीं जिन जंतुओं में ये अवशेषी अंग मौजूद हैं उनका विकास वहां से हुआ है जहां पर ये अवशेषी अंग अभी भी क्रियाशील हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग संयोजक जातियां। तो जब वैज्ञानिक जीवों का, जंतुओं का वर्गीकरण कर रहे थे तो वहां पर उनको कुछ ऐसे जीव भी मिले जिसमें दो विभिन्न जातियों के गुण थे। जैसे मैं बहुत इंपॉर्टेंट इसमें एक एग्जाम्पल आता है, देखिए जहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं समझ लीजिए वहां पर आपको प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस यहां से बने हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं इसीलिए इन पर फोकस करना जरूरी है। संयोजक जातियां, कनेक्टिंग स्पीसीज। आप लोगों ने एक सुना होगा कि एक जीवाश्म मिला है आर्कियोप्टेरिक्स। आर्कियोप्टेरिक्स मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, आर्कियोप्टेरिक्स, एक्स आर्कियोप्टेरिक्स। ये एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा पक्षी है जिसकी चोंच में दांत भी पाए गए और उसकी पूंछ भी पाई गई है। अब समझिए, ऐसा पक्षी जिसकी चोंच है, चोंच में दांत हैं और उसकी पूंछ भी है, तो सीधा सा मतलब है कि ये रेप्टाइल्स, जो सरीसृप हैं और जो पक्षी है उसके बीच की लिंक है। तो इसका सीधा सा मतलब हमको पता चल रहा है कि सरीसृप और पक्षी धीरे धीरे, सरीसृप जो है वो किसमें बदल गए हैं, पक्षियों में बदल गए हैं, ठीक है। तो कनेक्टिंग स्पीसीज भी इस बात का प्रमाण है कि जैव विकास की अवधारणा एकदम सही है। चलिए
और आर्कियोप्टेरिक्स किस किस के बीच में कनेक्ट है, हम लोग जब जंतुओं का वर्गीकरण करेंगे तो वहाँ पे और भी बहुत सारे ऐसी स्पीसीज हमको मिलेंगे, ऐसे जीव मिलेंगे, वहाँ पर उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए आर्कियोप्टेरिक्स वो एक कनेक्टिंग स्पीसीज है किस किस के बीच में, रेप्टाइल्स मतलब सरीसृप और पक्षियों के बीच की एक कनेक्टिंग लिंक है। फिर देखें हम लोग तुलनात्मक कार्य की, कंपेरेटिव फिजियोलॉजी या कंपेरेटिव बायोकेमिस्ट्री। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए, हमारे शरीर में छोटी आंत में एक एंजाइम पाया जाता है ट्रिप्सिन, और इसका काम क्या है, ये प्रोटीन का पाचन करता है। हमारे शरीर में एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज, ये क्या काम करता है, ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है। अब यही ट्रिप्सिन और यही एमाइलेज और जंतुओं में भी पाए जाते हैं जिसमें प्रोटीन और जिसमें कार्बोहाइड्रेट वो फूड के रूप में लेते हैं, और वहाँ भी उसका यही काम है। इसका मतलब जो एंजाइम मेरे यहाँ प्रोटीन का पाचन कर रहा है, वही एंजाइम किसी दूसरे जीव के यहाँ भी प्रोटीन का पाचन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों में कोई ना कोई लिंक है। तो कंपेरेटिव फिजियोलॉजी भी ये प्रूफ करती है कि जैव विकास हुआ है, किसी एक पूर्वज से ही इन सभी जीवों की उत्पत्ति हुई है। फिर आते हैं हम लोग आनुवंशिकी से प्रणाम से प्रमाण। आनुवंशिकी, आनुवंशिकी क्या होती है, हेरिडिटी। तो ये हेरिडिटी से कैसे पता चलता है, देखो एक जीव है खच्चर, खच्चर को बोलते हैं इंग्लिश में म्यूल, एक जीव है खच्चर और खच्चर को इंग्लिश में बोलते हैं म्यूल। अच्छा ये म्यूल बना कैसे, एक और पॉइंट आपको बता दूं, ये जो खच्चर है ये नपुंसक होता है। कैसा होता है, ये नपुंसक होता है, ये स्टेराइल होता है, ये फर्दर रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। अब ये बनता कैसे है, हमारे पास घोड़ा है, हमारे पास गधा है, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस करा दीजिए, खच्चर पैदा हो जाएगा। तो इसका मतलब घोड़े में और गधे में कुछ ना कुछ आनुवंशिकी समान होगी, तभी तो रिप्रोडक्शन हुआ है। अगर मैं मान लीजिए कि टाइगर और लॉयन का क्रॉस कराऊं तब भी मेरे को एक जीव मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं आनुवंशिकी से भी हमको ये पता चल रहा है कि ये जानवर आनुवंशिकी लेवल पर, क्रोमोसोम लेवल पर भी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी शो करते हैं। जैसे समझिए, अगर मेरे पास लॉयन तो नर है, नर, और मेरे पास टाइगर जो है वो मादा है, समझिए आप लोग, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास, लाइजर। क्या बन जाएगा, लाइजर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है क्वेश्चन, अगर मेरे पास टाइगर तो नर है और लॉयन मादा है, लॉयनेस है मेरे पास, तब मैं इनका क्रॉस कराऊंगा तो क्या मिलेगा, तो मेरे को मिलेगा टाइगोन, TIGON। बन सकते हैं क्वेश्चन, टाइगोन में कौन नर है कौन मादा है, लाइजर में कौन नर है कौन मादा है, ठीक है। तो आनुवंशिकी से हमको ये पता चल रहा है। चलिए अब आते हैं हम लोग जीवाश्म से प्रमाण। देखो जीवाश्म का मतलब है फॉसिल्स, जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब है तलछटी चट्टानें, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं। चट्टाने जब हम पढ़ेंगे भूगोल में तब मैं आपको बताऊंगा कि चट्टाने हैं कई प्रकार की, उसमें से जो सेडिमेंट्री टाइप की रॉक्स हैं, जो सेडिमेंट्री तलछटी टाइप की जो चट्टाने हैं उनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, और उन फॉसिल्स की जब स्टडी की गई है तो वहाँ पता चला है कि जीवों का क्रमिक विकास हुआ है। जैसे आर्कियोप्टेरिक्स हमको मिला है, ये फॉसिल के रूप में ही मिला है, और जब इसकी स्टडी की गई तब हमको पता चला कि इसमें पक्षियों के और सरीसृप दोनों के गुण पाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो जीवाश्म विज्ञान है इसको बोलते हैं पैलियोन्टोलॉजी, इसकी जो ब्रांच है पैलियोन्टोलॉजी, ठीक है। अच्छा जीवाश्म, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बताता हूँ आपको कि जीवाश्म अध्ययन के माध्यम से हम लोग जीवाश्म, मतलब जीवाश्म से हमको जीवों के विकास के बारे में तो पता चलता ही है, हमको ये भी पता चलता है कि कितने साल पुराना रहा होगा। तो कितने साल पुराना रहा होगा इसके लिए एक साइंटिफिक मेथड है, दैट इज कॉल्ड कार्बन डेटिंग मेथड। कार्बन डेटिंग मेथड क्योंकि हम लोग कार्बन डेटिंग से इनकी एज निकालते हैं, और ये मेथड बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है, इसीलिए कार्बन डेटिंग बोल देते हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर विधि में कार्बन आइसोटोप ही इस्तेमाल किया जाए। तो देखिए मैं आपको यहाँ क्लियर करता हूँ, कार्बन डेटिंग में हम लोग यूज़ करते हैं आइसोटोप कार्बन 14। एक और इम्पोर्टेंट मेथड है, हम लोग यूरेनियम भी यूज़ करते हैं, यूरेनियम 238, और हम लोग पोटेशियम आर्गन मेथड भी यूज़ करते हैं, पोटेशियम का है 40 और आर्गन का भी है 40। तो ये जो पोटेशियम मेथड है, पोटेशियम आर्गन मेथड है, ये बहुत ज़्यादा अब यूज़ में है,
क्योंकि कार्बन 14 से ज़्यादा हम लोग 50,000 साल पुराने जीवाश्म की स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमको लाखों सालों पुराने, लाखों करोड़ों साल पुराने का अगर कोई जीवाश्म मिलता है तो वहाँ पे कार्बन मेथड तो फेल हो जाएगा। तो वहाँ पर हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? पोटेशियम आर्गन मेथड यूज़ करेंगे। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है कि जीवाश्म के अध्ययन की ब्रांच को क्या कहते हैं? पैलियोन्टोलॉजी। ठीक है, कौन सा मेथड ज़्यादा चल रहा है आजकल? पोटेशियम आर्गन, क्योंकि इससे 50,000 साल से भी पुराना कोई जीवाश्म है तो उसकी स्टडी की जा सकती है। चलिए, तो अब साइंटिस्ट ने इन प्रमाणों की सहायता से उनके दिमाग में एक बात सेट हो गई कि भाई जैव विकास तो हुआ है। अब साइंटिस्ट ने इसको समझाने का प्रयास किया। पहले तो साइंटिस्ट ने इन माध्यम से खुद को समझाया, अब उनको जनता को समझाना है कि भाई वैज्ञानिकों की समझ में क्या आया, उसको किसको समझाएंगे? हम जैसे लोगों को समझाएंगे। तो इसको समझाने के लिए सबसे पहले आए जैव विकास के सिद्धांत, सबसे पहले किसने दिया? एक साइंटिस्ट था लेमार्क, और ये लगभग 1809 के आसपास इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। उस बुक का इंपॉर्टेंट है ये नाम, बुक का नाम क्या है? फिलोसफी जूलॉजी की। इंपॉर्टेंट नाम है, प्रीलिम्स में, पीसीएस प्रीलिम्स में कई बार ये क्वेश्चन बन चुका है। फिलोसफी जूलॉजी की किसने लिखी है? लेमार्क ने। उनके सिद्धांत को क्या बोला जाता है? लेमार्किज्म बोला जाता है। अब इन्होंने क्या कहा उसको सामान्य भाषा में समझिए। इन्होंने ये कहा कि कोई भी जीव अपने जीवन काल में लगातार वृद्धि करता है। सही बात है, हम लोग जब छोटे थे, छोटे से बड़े होते गए, लगातार वृद्धि हुई है, हमारे अंगों का भी विकास हुआ है। तो इन्होंने ये बताया कि जिस अंग का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाता है, और जिस अंग का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं वो कमज़ोर पड़ जाता है। और इन्होंने ये कहा कि जिस अंग का हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उसका अगली पीढ़ी में जाना ज़्यादा ज़्यादा आसान रहेगा, और ज़्यादा वो जाएगा, क्विकली और इजीली वो जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि अगर कोई जीव, मान लीजिए कि अगर कोई जीव एक वातावरण में अपने को किसी विशेष परिस्थितियों में ढाल लेता है, ठीक है, तो वो अपनी अगली पीढ़ी में उन गुणों को ट्रांसफ़र कर देगा। मतलब इसको क्या बोला गया? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। इसको समझिए, अगर कोई जीव किसी पर्टिकुलर वातावरण में रहता है और वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल लेता है तो जो उसमें परिवर्तन आए होंगे वो परिवर्तन उसकी नेक्स्ट पीढ़ी में चले जाते हैं। इसको बोला जाता है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। अब यही सिद्धांत फ्लॉप हो गया, फेल हो गया, लेमार्क के जीवन काल में ही इसको फेल कर दिया गया। क्यों फेल कर दिया गया? क्योंकि जैसे समझिए, एक साइंटिस्ट ने एक प्रयोग किया, चूहे लिए उसने और चूहे की पूंछ काट दी, फिर उसका रिप्रोडक्शन कराया, उसके बच्चे जो पैदा हुए उनमें पूंछ थी, फिर उन बच्चों की पूंछ काट दी, फिर उसका रिप्रोडक्शन करा दिया। तो कितनी ही बार उसने पूंछें काटी लेकिन हर बार जो चूहा पैदा हुआ उसके पूंछ थी। इसका मतलब लेमार्क जो कह रहे थे कि जिस अंग का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते हैं वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो लगातार आ रहा है। या लेमार्क के सिद्धांत को इस वजह से भी फेल कर सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करता है और डॉक्टर बन जाता है, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि उसका बच्चा जो है उसमें भी वो सारे गुण होंगे, उसमें भी वो सारा ज्ञान होगा? तो इसका मतलब जो लेमार्क का सिद्धांत था वो यहीं पर फ्लॉप हो गया। क्वेश्चन क्या बनने वाला है? लेमार्क थ्योरी या लेमार्किज्म किसने दिया? तो लेमार्क ने दिया। उनकी बुक का नाम क्या है? फिलोसफी जूलॉजी की है। उसकी सिद्धांत क्या था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत। फिर आते हैं हम लोग डार्विनिज्म। डार्विनिज्म ये इंपॉर्टेंट है, ये सारा पोर्शन इंपॉर्टेंट है। तो डार्विनिज्म सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने दिया। इनकी एक बुक थी, बहुत फेमस बुक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन मतलब स्पीसीज का उद्गम। तो इन्होंने क्या बताया, देखो कि किसी एक, मान लीजिए कोई एक जगह है, कोई भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पर जीवों की ज्योमेट्रिक रेशियो में वृद्धि होती है। मतलब जीवों की संख्या लगातार बढ़ती है, रिप्रोडक्शन करते हैं वो तो बढ़ती है। जब जीवों की संख्या बढ़ेगी तो भोजन पानी के लिए आपस में लड़ाई झगड़ा होगा, तो उस लड़ाई झगड़े में मौतें होंगी, तो वही जीव जिंदा बचेंगे जो एकदम फिट होंगे। तो इसको बोला गया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो बचे रहेंगे वही रिप्रोडक्शन करेंगे, तो उनके अंदर जो गुण आए होंगे वही तो अगली पीढ़ी में जाएंगे। इसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विनिज्म के दो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। पहला क्या है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो समृद्ध होगा, जो कैपेबल होगा, केवल वही जिंदा रहेगा। और फिर नेचुरल सिलेक्शन होगा, प्रकृति जिसको नेचुरली सेलेक्ट करेगी उसी का रिप्रोडक्शन होगा और उसी के गुण अपनी अगली पीढ़ी में जाएंगे।
फिर आए नियो डार्विनिज्म, मतलब डार्विनवाद को ही मॉडिफाई कर दिया गया। क्योंकि देखो डार्विनिज्म ये कहता है कि जो नेचुरल सेलेक्शन है, प्राकृतिक चयन जो है, वो इम्पोर्टेंट है किसी भी जीव के विकास में। लेकिन न्यू डार्विनिज्म ये कहते हैं, न्यू डार्विनिज्म जिन साइंटिस्ट ने दिया उसमें से जो मेंडल ऐसा था, मेंडल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने आनुवंशिकी की खोज की थी, उन्होंने डीएनए, जीन, क्रोमोसोम इसके बारे में बताया था। तो जब ये मेंडल के प्रिंसिपल जब आ गए तो डार्विनिज्म के सिद्धांत जो है वो थोड़े फ्लॉप हो रहे थे। तो जो डार्विनिज्म, जो डार्विनवाद के वैज्ञानिक थे, इसके समर्थक जो थे, उन्होंने ही डार्विनवाद में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया और हमको नियो डार्विनिज्म दे दिया। और नियो डार्विनिज्म को ही क्या बोलते हैं, सिंथेटिक थ्योरी। और इस सिंथेटिक थ्योरी का मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि इसमें डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम की बात की जाती है। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं सबसे अभी जो इम्पोर्टेंट है और इसमें कोई भी डिस्प्यूट नहीं है। अभी रिसेंटली जो सिद्धांत चल रहा है जीव विकास का, वो क्या है, वो म्यूटेशन थ्योरी है, उत्परिवर्तन। और ये दिया किसने था, ह्यूगो डी ब्रायस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अभी रिसेंटली प्रीलिम्स में पूछा भी गया है, 2017 या 18 के प्रीलिम्स में इसको पूछा गया था। अब इसको समझिए, म्यूटेशन, म्यूटेशन क्या है पहले उसको समझते हैं हम लोग, कि जब भी नर और मादा आपस में क्रॉस करते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट में फिर विभाजन होता है तो बड़ी सेल बनती है, ठीक है। जब ये विभाजन होता है, माइटोसिस, मियोसिस, तो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है। तो जो क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होगी, एक क्रोमोसोम के गुण दूसरे क्रोमोसोम में ट्रांसफर जब हो रहे हैं, तो ट्रांसफर होते समय ये जो गुण है इनकी वैरायटी बदल जाती है, इसको बोलते हैं म्यूटेशन। तो इसी म्यूटेशन सिद्धांत को ही हमने इवोल्यूशन का मेन रीजन माना है। तो जो उत्परिवर्तनवाद है वो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है टिल नाउ, किसके लिए, जैव विकास के लिए। तो मतलब क्या है कि जब रिप्रोडक्शन होता है, जब क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है, तब म्यूटेशन होगा और म्यूटेशन से ही एक स्पीसीज के अंदर अलग अलग वैरायटी बनती है और ये अलग अलग वैरायटी के द्वारा ही नई नई स्पीसीज का उद्गम या उद्भव हुआ है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से पॉइंट वाइज मैंने आप लोगों को ये बहुत ही सरल तरीके से आपको बताया। हम लोग बहुत डीप बायोलॉजी में नहीं जा सकते हैं क्योंकि हमारा काम नहीं है इतना डीप जाने का। अगला जो चैप्टर रहेगा उसमें हम लोग म्यूटेशन थ्योरी से नेक्स्ट की बातें करेंगे। हम लोग देखेंगे कि मानव का उद्गम कैसे हुआ है। मानव शुरू से ऐसा नहीं है, मानव ने शुरुआत में कैसा जीवन जिया, क्या नाम था। फिर हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल, भौगोलिक समय सारणी क्या है। हालांकि ये भूगोल का पार्ट है लेकिन हम लोग इसमें भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए, बिना नोट्स के साइंस पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू।